हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोग का 10th का एपी चैप्टर मैंने कराया था, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी जो कि 10th क्लास की है, इस 10th की एपी जितनी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सारा क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने संजीवनी बैच में सारा क्वेश्चन आपको देखने को, इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका बाहर नहीं रहेगा। इतना आप कर लिए तो आप समझ रहे हैं ना मैंने कितना 425 प्लस बोला है, आराम से आ जाएगी आपकी। तो आप ये मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे। और इस सेशन को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि और मैं इसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ। चलिए, आपकी क्वेश्चन है एपी का, मैंने कुछ क्वेश्चन कराया है, सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमश, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमश 4 और -8 है, इसका शून्य ज्ञात है। शून्य निकालने के लिए देखिए, मतलब शून्य निकालने का मतलब ए एन बराबर क्या हो गया, 0। मतलब शून्य हम लोग को निकालना है, तो देखिए शून्य क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या है, n बराबर 0। देखना है हम लोगों को कि इसका शून्य क्या है। देखिए इसका किसी एपी के तीसरे और नवमे पद क्रम से कितना, 4 और -8 है। मैंने तीसरे और नवमे पद क्रम से मैंने क्या बोला था, मान लगा हुआ रहेगा। तो देखिए एपी का मैंने इसका n ला एक फॉर्मूला बताया था, n बराबर क्या फॉर्मूला बताया, a+n-1 × d। तो देखिए कितना क्रम से पद है, 4 लास्ट पद है, मतलब तक है, तो तक है, तो आपका ए एन हो जाएगा, वहां रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इतनी बात तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी बनाई बताई थी, मैं इसमें भी बता रहा हूँ। अब देखिए ए एन आपकी कितनी दी हुई, 4 दी हुई, तो मैंने 4 लिख दिया। ए आपका पता नहीं है, एन एन की इसका कितना पद, तीसरा पद, यहाँ 3 -1 × d, ये हो जाएगा a+2d बराबर हो जाएगा 4, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब पुनः देखिए ये क्या कह रहे हैं, पुनः कह रहा है, और इसके नौवें पद देखिए, मैंने फर्स्ट में सिर्फ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बराबर है। तो देखिए इसकी लास्ट पद कितनी है, -8 है, तो -8 है, तो ए प्लस कितना नौवां पद, एन 9 -1 × d, ये हो जाएगा -8 बराबर ए प्लस एन टी, ये हो जाएगा इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, अब देखिए समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a+2d है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते, इस तरह लिख देते, a+2d बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए इसको इस तरह कर लेते हैं, और इसको क्या है, a+n d बराबर कितना हो जाएगा, -4, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलिए इतना कर लिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, एक क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे हाँ -8 है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट ना सेकंड से, समीकरण फर्स्ट लेंगे, समीकरण फर्स्ट कितना, a+2d बराबर कितना है, 4 है, a+8d बराबर कितना है, -8 है। अब देखिए क्या है, प्लस है, चलिए इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब चलिए इसको कटाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ बताइए आप, 2 में 8d जाएगा कितना बच जाएगा, -60 बराबर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस यहाँ कितना 8 हो जाएगा, ये कितना हो, 8 साल कितना हो गया, 12 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा कितना, 12/6 माइनस हो जाएगा 14/12, डी का मान हो जाएगा -2, डी का मान आपका -2 आ गया। हमको निकालना क्या, इसका शून्य भी निकला था, सबसे पहले ए पता करेंगे तब तो शून्य निकलेगा ना। चलिए अब समीकरण हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, a+2d बराबर कितना है, 4 है, a+2, डी का मान -2 है बराबर 4 हो गया, a-4 हो जाएगा बराबर 4 हो गया, ये बराबर हो गया 4+4, ए का मान आ गया 8 आ गया। अब देखिए ए का शून्य भी निकला था मैंने, ए एन बराबर क्या आ जाएगा, a+n-1 × d, a+n-1 × d, तो देखिए ए एन का मान मैंने कितना, 0 लिया, 0 लिया, ए का मान आपका 8 है,
और n n माइनस वन इंटू डी डी का मान आपका माइनस टू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, एट प्लस माइनस टू एन माइनस टू एन प्लस टू। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये जीरो आर टू दस हो गया माइनस टू एन। अब देखिए माइनस टेन माइनस टू प्लस टू, अब देखिए क्या करेंगे हम, प्लस टू नहीं, अब देखिए माइनस टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो टू एन बराबर आ जाएगा टेन, मतलब बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में था तो प्लस एन बराबर हो गया टेन बाई टू, ये हो जाएगा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा, एन का वैल्यू फाइव आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया अतः पांचवा पद शून्यक होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये सेशन आप सभी को पसंद आ रही होगी। लाइक कमेंट एंड जितना हो सके आप अपने भाई का सपोर्ट करें, शेयर करें।